जय हिंद वंदे मातरम साथियों, अत्यंत दुखद खबर राजस्थान के जोधपुर जिले से आ रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर के बावड़ी के रहने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैनिक सुखराम तरड़जी के शहादत की सूचना प्राप्त हो रही है। आपको बता दें कि वे बावड़ी के सावत का कुआं के रहने वाले हैं और वर्तमान में सिक्किम में तैनात थे। वहीं एक सेना का ट्रक खाई में गिर जाने से एक सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें मां भारती के 16 लाल वीर शहीद हो जाते हैं। उन्हीं में शामिल राजस्थान के जोधपुर जिले का जांबाज सैनिक भी था और अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उनके इस अदम्य साहस को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और अपर समाचार यूट्यूब चैनल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहादत की सूचना के बाद से राजस्थान सहित देश भर में शोक की लहर है। वहीं सावत का कुआं, जहां शहीद सुखराम तरड़ का पैतृक निवास स्थान है, वहां कोहराम मचा हुआ है। शहीद परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वहीं शहादत की सूचना के बाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित रालोपा सुप्रीमो, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज इनका पार्थिव देह हवाई मार्ग से होते हुए इनके नजदीकी एयरपोर्ट जोधपुर लाया जाएगा, जहां कल अल सुबह इनके पार्थिव को पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर को आदेश जारी किए गए हैं कि इनके पार्थिव को ससम्मान इनके निवास स्थान भेजवाया जाए। तत्पश्चात सेना की टुकड़ी की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर सहित परिजनों को तिरंगा भेंट कर इनको अंतिम विदाई दिए जाने के खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं शासन प्रशासन के लोग इनके पैतृक गांव पहुंच अंतिम विदाई स्थल का जायजा ले रहे हैं और उनके चिन्हित कर रहे हैं कि कहां इनका अंतिम विदाई की जाए, और ऐसे में इनके अंतिम विदाई में भारी जनसैलाब उमड़ने की आशंका है। मां भारती के लाल ने अदम्य साहस का परिचय करवाते हुए वीरगति को प्राप्त किया है, उन्हें सादर नमन व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।